तो ये है मेरे पास Vivo Y75 5G। आज मैं इसका कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ। आउटडोर में इसको लेकर आ गया हूँ और कुछ इस तरह से इसका कैमरा सेटअप है। 50+2+2 फ्रंट वाला 16 मेगापिक्सल है और आज इस लोकेशन को हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमने इसके कैमरा सैंपल्स लिए हैं, बैक से, फ्रंट से, वीडियो, पोर्ट्रेट, मैक्रो, सारे लेंस से हमने ट्राई किया और सारे सैंपल हमने ट्राई किए। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कैमरा टेस्ट मिलेगा। अगर आपको कैमरा पर्पज से बाय करें तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इसमें बाइंग डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, स्पेशली फॉर कैमरा। अगर आप बाकी चीज़ें के लिए जा रहे हैं तो अनबॉक्सिंग मैंने डाल दी है, आप जाकर देख सकते हो आई बटन पे या चैनल पर। लेकिन सिर्फ कैमरा पर्पज से खरीदे तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडोर लाइट कंडीशन से, तो सेल्फी से मैंने यहाँ पर लिया है। सेल्फी में आप यहाँ पर देख सकते हो 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पलते हैं आगे, कुछ और सैंपल हमने लिए हैं पोर्ट्रेट्स में भी, और पोर्ट्रेट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फिल्टर, काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको क्लियर देखने को मिलेगी। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो फिल्टर्स के थ्रू, जैसे एक ब्लू फिल्टर है, एक रेड था, एक डार्क था। और यहाँ पर मेन लेंस से बात करते हैं 50 मेगापिक्सल की, तो ये वाला जो सैंपल आगे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये 50 मेगापिक्सल से लिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पर कैप्चर करने को देखने को मिल जाएगी। कलर वगैरह अच्छे रखता है। HDR रेंज में हमने यहाँ पर क्लिक करके लिया था, तो आप HDR भी देख सकते हो, ठीक ठाक यहाँ पर इसने मेंटेन किया है। कलर वगैरह स्काई का काफ़ी अच्छा आ रहा है। ऑटो फोकस पास से जब आप फोटो लेते हैं ठीक ठाक डिटेल मेंटेन रखता है। हमने काफ़ी ज़्यादा सैंपल लिए, 90+ सैंपल वीडियोज़ और फोटो के, तो वीडियो लास्ट तक देखना। कैमरा टेस्ट आप देख रहे हो प्रॉपर कैमरे के लिए, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका कैमरा कैसा है। आगे बढ़ते कुछ और सैंपल्स पे, 2x पे भी मैंने लिए हैं, मैक्रो शॉट भी लिए, वो आगे आपको लास्ट में दूंगा, क्योंकि मैक्रो शॉट इतने ज़्यादा काम के नहीं थे तो मैंने उसको बाद में रखा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम का नहीं है। आप 2x से ऐसा फोटो ले सकते हो जो मैक्रो जैसा लगेगा। ये स्किन टोन अगर आप देखोगे थोड़ी सी मुझे डल लगी है, मेन लेंस से स्किन टोन मुझे खास नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी लॉस हो रही है और कुछ अजीब सा ही यहाँ पर टेक्स्चर दिख रहा है फेस पे। और डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके कैमरे पर आ रही है उसके बाद भी इसने अच्छी लाइट्स मेंटेन किए, डिटेल मेंटेन किए। मुझे लग रहा था ब्लैक ब्लैक आएगा अगर पीछे सन है, इसलिए मैंने ये फोटो ली, लेकिन काफ़ी अच्छी इसने मेंटेन किया हुआ है। और स्किन टोन जैसे मैंने आपको बताया, एक अजीब सा ही स्किन टोन ये मेंटेन कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन कलर्स वगैरह, ऑटो फोकस वगैरह ठीक ठाक यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। शेडो वगैरह भी मेंटेन कर लेता है, डिस्टेंस वगैरह में भी क्लियरिटी इसकी मेंटेन रहती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मेन लेंस से थोड़ी बहुत क्वालिटी लॉस होती है। पोर्ट्रेट्स इसके काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने नॉर्मल ब्लर किया है, फ्लेरी बना दिया है। एक यहाँ पर ब्लर होता है, ये आप एक और देख सकते हो, थोड़ा सा कम फ्लेरी है। एक यहाँ पर ऐसा ब्लर होता है जिसमें हार्ट शेप में आपको लाइट्स जो बैकग्राउंड की है फ्लेरी करके हार्ट्स के शेप में बनाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। एक यहाँ पर स्टार वाला भी आएगा, ये एक दूसरा शेप था, एक ये स्टार वाला बैकग्राउंड ब्लर करता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, यूनिक है बुके इफेक्ट में, पोर्ट्रेट्स जो आप लेते हो उसमें। सेल्फी में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी। 16 मेगापिक्सल है, बट ओवरऑल बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है इसमें। पोर्ट्रेट्स अच्छे आ जाते हैं, स्किन टोन सेल्फी में स्किन टोन अच्छी लगी बैक के अगर आप कंपेयर करते हैं तो। और इसमें भी आपको अलग अलग फिल्टर मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ और पोर्ट्रेट्स हम लेके देखेंगे किसी क्वालिटी आ रही है, ठीक ठाक यहाँ पर मेंटेन रख रहा है डिटेल। लेकिन जो आपकी स्किन टोन है ना, आपको मैं फिर से बताऊँ, स्किन टोन इतनी खास मेंटेन नहीं कर रहा, हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये सॉल्व हो जाए। बाकी जो हार्ट वाले पोर्ट्रेट्स और जो मैंने आपको बताया था शेप, वो यहाँ पर इसने मेंटेन किए और अच्छी फोटोज़ आ सकती है। जूम टेस्ट की बात करें 1x पे ये फोटो आ रहा है, हम लोग 10x तक जूम करेंगे क्योंकि इसमें 10x जूम है। ये 2x का फोटो है, यहाँ पर ये 5x का फोटो है और 10x, और आप कोई सा भी जूम करेंगे 1x के बाद सब में क्वालिटी लॉस हो रही है, सब में पिक्सल फट रहे हैं, तो जूम इसका किसी काम का नहीं है। हाँ, मेन लेंस अच्छा मेंटेन करता है, डायरेक्ट सनलाइट आने के बाद भी आप ये शॉट देख सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पर इसने डिटेल मेंटेन की है। वीडियोज़ की हम बाद में बात करेंगे, हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाए हैं। और ये वाला जो शॉट आप देखोगे ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर्सनल फेवरेट है मेरा। और इसके बाद ये वाला 2x पे लिया है, ये वाला था 1x, ये वाला है 2x। बहुत अच्छे कलर्स, डिटेल इसमें मेंटेन करने की कोशिश की है, बट थोड़ी सी और डिटेल होती, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी लॉस हो रही है, थोड़ी सी और डिटेल होती तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। HDR रेंज, कलर्स काफ़ी अच्छा है, वीडियोज़ में आगे बताऊँ आपको, स्टेबलाइजेशन से लेकर के डुअल व्यू वीडियो वगैरह हर चीज़ यहाँ पर हमने रिकॉर्ड की, तो वो आगे बताऊँ आपको। स्लो मोशन वगैरह भी मैंने रिकॉर्ड किया है हर एक चीज़। ये वाला जो है पेनोरमा मोड है, इसमें भी अच्छी डिटेल मेंटेन की है इसने, कोई डाउट नहीं है, ठीक ठाक आ जाता है और कोई ब्लर नहीं हुआ है इसमें फोटो में। ये 2x का फोटो है, 2x पे भी अच्छी क्वालिटी मेंटेन रख रहा है। ये 1x का फोटो है, यहाँ भी अच्छा है, डायरेक्ट सनलाइट में इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है। लेंस इसमें अच्छा यूज़ किया, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद कुछ और चीज़ें बढ़ जाएगी। 2x 1x सब पे फोटो लिए हैं,
2x पे तो बिल्कुल ख़राब फोटो आता है, ज़्यादा जूम करके आप देख नहीं सकते, इसकी क्वालिटी आती है कुछ खास नहीं आती है। और सेल्फी में भी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर एक लाइव फोटो का ऑप्शन है जहाँ पर आप फोटो क्लिक कर दें, अभी आप यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे होल्ड तो आपको ये एक चीज़ देखने को मिलेगी जो हमने उस समय रिकॉर्ड किया था, आपके 2 सेकेंड ही रिकॉर्ड कर लेता, प्रेस करके रखोगे तो दिखा देगा कि कैसी क्वालिटी आ रही है। यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप, ये देखिए ये, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन जैसे आईफोन में आपने देखा होगा, कलर वगैरह रिप्रोडक्शन इसका अच्छा है, HDR रेंज अच्छी है और डिटेल थोड़ी सी डल है, जैसा मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ डिटेल में थोड़ा सा इशू है। पास से भी ज़्यादा फ़ोटो ली तो कुछ खास डिटेल इसने मेंटेन नहीं रखी है, सेल्फी में भी अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे कलर्स इसके अच्छे लगे, कलर रिप्रोडक्शन और थोड़ा सा जो एज रिडक्शन है उसमें काफ़ी अच्छा इसने काम किया है। काफ़ी सारे शॉट्स आप सैंपल देख पा रहे हो तो ये मुझे पर्सनली पसंद आया है। और स्लो मोशन भी हमने टेस्ट किया, वीडियो सारे आखिरी में बात करूँगा, एक और बार जूम टेस्ट दिखाता हूँ आपको। जूम बहुत ज़्यादा घटिया मुझे लगा है, 1x के बाद सारे फोटो इसमें फटते, ये वाला 1x है, ये वाला आपको 2x देखने को मिल जाएगा, ये 5x है और ये 10x है, सारे सैंपल इसमें फटे, तो जूम के लिए तो किसी काम का नहीं है। चलिए ये है कुछ मैक्रो शॉट्स जो आप देख सकते हो, डिटेल क्वालिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, आप अपना लुकआउट बताना। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 1080p 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 1080p 60fps जिसमें आपको फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा, स्टेबलेशन ठीक ठाक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्टेबलेशन नहीं है। सो ये वाला जो सिंपल है ये रनिंग करने के बाद बनाया, 60fps भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम देखने को मिली है। ये वाला जो सिंपल आप देख रहे हो डुअल व्यू वीडियो का, इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पिक्चर इन पिक्चर एंड डुअल व्यू, यहाँ पर दो स्क्रीन आप देख सकते हो, यहाँ पर डुअल व्यू आप वीडियो इस तरह से देख सकते हो, दोनों 50-50 स्क्रीन आपको शेयरिंग देखने को मिल जाएगी, कलर वगैरह अच्छे आते, डिटेल इसमें भी अच्छी मेंटेन की है इसने। और यहाँ पर स्लो मोशन की बात करें तो स्लो मोशन भी देख सकते हैं, स्लो मोशन में तो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी आई है, बिल्कुल पिक्सल फट रहा है, कोई भी डिटेल मेंटेन नहीं हुई है। आपको 2 से 3 सैंपल आप यहाँ पर देख रहे हो तो आप जज कर सकते हो कि कितना बेकार स्लो मोशन है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो बस 1080p तक ही आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी स्टेबलेशन इसमें हार्डवेयर लेवल पे नहीं दिया हुआ है। एक सैंपल और आप देख सकते हो स्लो मोशन का, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं आ रही है, ये मुझे पर्सनल पसंद नहीं आया स्लो मोशन। बाकी आप अपना कमेंट में जरूर बताना आपको क्या पसंद आया है फोटो और वीडियो में सबसे ज़्यादा, और कौन सा फेवरेट फोटो था। अब बात करेंगे हम नाइट मोड की, और यहाँ पर नाइट मोड के सिंपल की बात करें तो यहाँ पर आप अगर आप क्वालिटी देखोगे बहुत ज़्यादा डल क्वालिटी आ रही है नाइट मोड में भी, कुछ खास यहाँ पर नॉइस रिडक्ट नहीं कर रहा है जैसा एक्सपेक्ट किया था। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइट है इसलिए आपको ये ब्राइट फोटोज़ दिख रही है, अदरवाइज़ इस फोन ने नाइट मोड में कुछ ऐसा खास काम किया नहीं है, डिटेल वगैरह उतनी प्रॉपर नहीं आ पा रही, हल्का हल्का सा नॉइस आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे आप नॉर्मल मोड में लो या नाइट मोड में, उतनी डिटेल भी नहीं आ रही है, थोड़ा सा ब्लर ब्लर कर रहा है, थोड़ा कभी कभी ऑटो फोकस का भी इशू आया है, क्लेरिटी का भी इशू आया है। एक्चुअल नाइट मोड इसका काम वैसा नहीं कर रहा है जैसा स्लो मोशन है कि सिर्फ दिया हुआ है लेकिन वैसी क्वालिटी नहीं है, ऐसा ही यहाँ पर नाइट मोड भी मुझे देखने को मिला है। कभी कभी थोड़ा बहुत मान लीजिए बिना नाइट मोड में आप ले रहे हो तो थोड़ी बहुत फोटो अच्छी आ जाएगी, क्रिस्प आ जाएगी, लेकिन नाइट मोड में आप लोगे तो वैसी फोटोज़ नहीं आ रही, तो ये मुझे नाइट मोड इसका पसंद नहीं आया पर्सनली बता रहा हूँ आपको, थोड़ा एज डिटेक्शन और थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी होता है ये। बाकी आप बताना कमेंट में, इंडोर में भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे रात को लगभग 12-1 बजे के समथिंग, तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब आप कमेंट बताना आपको इसका कैमरा कैसा लगा, और 21,990 की जो प्राइसिंग है उसको ये जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, और अगर आपको इसका कैमरा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप बाय करें तो भी ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, रिव्यू देखना चाहते हो, तो आई बटन पर या एंड स्क्रीन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।